नमस्कार दोस्तों, वेल्थ गुरुजी के और एक नए वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है। एसडब्ल्यूपी वाले लोग जल्दी से आ जाइए क्योंकि एक मजेदार वीडियो लेकर के आए आप सबके लिए। यूट्यूब के इतिहास में आपको ये कोई नहीं बताएगा कि एसडब्ल्यूपी चालू कैसे करते हैं। आज मैं आपको ये वीडियो में हर एक प्लेटफॉर्म पे बताने वाला हूं कि एसडब्ल्यूपी प्लान को आप कैसे चालू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको ये प्रोसेस जरूर से जाननी चाहिए अगर आप एसडब्ल्यूपी चालू कराना चाहते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा हर एक चीज को। तो सबसे पहले मैं यहां पे अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कौन कौन सी जगह पे आप एसडब्ल्यूपी चालू करा सकते हैं वो दिखाने वाला हूं। तो यहां पे हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ग्रो ऐप, क्योंकि मैंने एक सर्वे करवाया था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके अंदर में मैंने ये आपको पूछा था कि आप कौन सी एप्लीकेशन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और 50% प्लस लोगों ने बताया था कि ग्रो ऐप सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ग्रो की एप्लीकेशन जो है एंड्रॉइड या iOS, अगर इसको आप खोलते हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहां पे जैसे आप लॉगिन होते हैं आपको जाना है इन्वेस्टमेंट के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर। बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया था कि इसके अंदर में कोई एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन होता नहीं है। जी हां दोस्तों, इसके अंदर में कोई एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन वीडियो में आगे बताऊंगा कि ग्रो ऐप से आप कैसे एसडब्ल्यूपी चालू कर सकते हैं। एप्लीकेशन के थ्रू नहीं, वेबसाइट के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले यह देख लेते हैं कि यहां पर कुछ भी SWP का ऑप्शन मिलता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहां पे मेरा इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट को यहां पे क्लिक करता हूं, दोस्तों आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो मैंने लास्ट वीडियो SWP के ऊपर बनाया था उसमें बहुत डिटेल में आपको बताया था कि SWP चालू कराने के लिए मिनिमम आपके फंड में 5,000 रुपए का बैलेंस होना जरूरी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो चालू करना चाहते हैं लेकिन उसमें SWP का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपका फंड बैलेंस 5,000 से नीचे होगा, तो ये आप थोड़ा सा इंश्योर कर लेना। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ग्रो ऐप के अंदर में, ये फंड मैं चूज करता हूं, मोर डिटेल्स में जाता हूं, तो यहां पे मुझे आप देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है एसडब्ल्यूपी का। अगर मैं 3 डॉट पे भी क्लिक करता हूं, यहां पे स्विच का ऑप्शन दिख रहा है लेकिन मुझे यहां पे एसडब्ल्यूपी का कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मोबाइल को वन बाय वन देख लेते हैं। तो ये हो गई ग्रो की बात। तो ग्रो एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन के अंदर में आपको SWP का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। अब चलिए बात करते हैं कॉइन एप्लीकेशन की। तो कॉइन एप्लीकेशन को खोल के आप जब भी चेक करेंगे, यहां पे सबसे पहले इसमें लॉग इन हो जाते हैं। तो ये यहां पे आप चेक करेंगे, इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, ये आपके सारे फंड है। कोई भी फंड को आप यहां पे पिक कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस फंड को पिक कर लेते हैं। तो ये फंड में भी आप देखेंगे बाय मोर का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, रिडीम का, SIP का और ट्रांसैक्शन हिस्ट्री का। रिडीम को अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे मुझे रिडीम ऑल यूनिट्स में कर सकता हूं या कुछ पार्ट में कर सकता हूं, लेकिन यहां पे ऑटोमेटिक कट ऑफ का यानी कि SWP का कोई ऑप्शन यहां पे दिख नहीं रहा है। मतलब कि कॉइन ऐप भी नहीं है, ग्रो ऐप में भी नहीं है, और मेरे हिसाब से जितनी भी एप्लीकेशन अभी तक लॉन्च हुई है किसी भी एप्लीकेशन में आपको SWP का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन एक एप्लीकेशन है ना, वो एप्लीकेशन कौन सी है जो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्सिस के थ्रू ले रहे हैं तो एक्सिस की खुद की जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के थ्रू आप करा सकते हैं। ऐसी ही बाकी सारी एप्लीकेशंस होगी, निपोन इंडिया की है, SBI की है, प्रूडेंशियल की है, आदित्य बिरला सनलाइफ की है। तो ऐसी एप्लीकेशन के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल सकता है। यहां पे मैंने एक्सिस बैंक के अंदर, एक्सिस की जो एप्लीकेशन है म्यूचुअल फंड की, इसके अंदर मैंने ये ऑप्शन देखा है। मैंने पहले भी आपको दिखाया था, फिर से एक बार दिखा देता हूं। तो यहां पे आप जो 3 डॉट है, ये 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए सिस्टमैटिक प्लान। आपको ये सिस्टमैटिक प्लान के ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे ऊपर में आप देखेंगे तो आपको 3 प्रकार दिखेंगे, इन्वेस्टमेंट के या विड्रॉल के। इसमें एक है SIP जो आपको ऑलरेडी दिख रही है, दूसरा है STP, इसको बोलता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, उसके डिटेल में मैंने आपको बताया था, और तीसरा प्लान है SWP, आपको SWP के ऊपर क्लिक करना है। तो यहां पे आप देखेंगे SWP एक भी मेरी चालू नहीं, इसके लिए नहीं दिख रही है। अगर आपको चालू करानी है तो आपको नीचे का प्लस डॉट साइन करना पड़ेगा, और यहां पे आपको जो भी म्यूचुअल फंड है उसको क्लिक करना पड़ेगा। अभी मेरा जितने भी म्यूचुअल फंड एक्सिस बैंक के अंदर है या एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर है उसमें 5,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसके लिए यहां पे एक भी स्कीम दिखा नहीं रही है। लेकिन आप ट्राई करके देख लेना, अगर आपका एक्सिस बैंक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है एक्सिस म्यूचुअल फंड में, तो आप ये एप्लीकेशन के थ्रू SWP आराम से चालू कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपको मैं अब बताऊंगा कि ग्रो ऐप के थ्रू आप SWP कैसे चालू कर सकते हैं। तो
हम लोग यहां पे ग्रो एप्लीकेशन के अंदर में ये फंक्शन नहीं है जैसा कि आपने देख लिया, लेकिन अगर आपको चालू करना है एसडब्ल्यूपी वो भी ग्रो के जरिए, तो आपको जाना पड़ेगा उसका वेबसाइट वर्जन में। अभी आपको मैं लेके चलता हूं मेरी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, आपको यहां पे डेस्कटॉप की स्क्रीन दिख रही होगी। तो सबसे पहले आपको grow.com पे चले जाना है और वहां पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पासवर्ड वही होना चाहिए जो आपका एप्लीकेशन के अंदर डाला हुआ है, तभी आपका पोर्टफोलियो यहां पे फैच होगा। तो जैसे ही आपका पोर्टफोलियो फैच हो जाता है, आप लॉगिन हो जाते हैं, इसके बाद आपको जाना है इन्वेस्टमेंट के अंदर में। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के टाइप्स दिखेंगे, स्टॉक दिखेगा, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट एंड यूएस स्टॉक। आपको यहां पे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है। जैसे आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे, आपका पूरा पोर्टफोलियो यहां पे आ जाएगा। अभी आपको जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर से एसडब्ल्यूपी करानी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे देखूं, लेकिन एक चीज याद ये रखना कि आपका जो टोटल इसके अंदर कोई भी फंड के अंदर में बैलेंस है वो 5000 से ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फंड है, यहां पे 4700, अगर मैं यहां पे तीन डॉट पे क्लिक करूंगा मुझे यहां पे एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये दूसरा वाला जो है एक्सिस का, इसमें 48900 है। अगर इसमें मैं देखता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं स्टार्ट एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन दिख रहा है। एसटीपी भी आप कर सकते हैं, एसडब्ल्यूपी भी कर सकते हैं। तो आपको ये स्टार्ट एसडब्ल्यूपी के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं, आपको यहां पे टोटल एसडब्ल्यूपी का अमाउंट, आपको पर मंथ कितना चाहिए वो आपको यहां पे डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे इस स्कीम से पर मंथ में निकालने हैं 2000 रुपए, तो मैं यहां पे 2000 डाल दूंगा। और यहां पे इंस्टॉलमेंट्स देखिए, ये इंस्टॉलमेंट्स कितने टाइम तक आपको एसडब्ल्यूपी चलानी है वो डिपेंड करता है। तो आपको ये इंस्टॉलमेंट यहां पे सिलेक्ट करना है, भाई 25 इंस्टॉलमेंट चाहिए या 50 इंस्टॉलमेंट, 5 साल चलाना है, 2 साल चलाना है, उस हिसाब से आपको मंथ कैलकुलेट करके यहां पे डाल देना है। उसके बाद एसडब्ल्यूपी की डेट, कौन सी डेट को आपको एसडब्ल्यूपी विड्रॉ करनी है। कोई लोग 1 तारीख को करते हैं, कोई 10 तारीख, वो आपके ऊपर है। आपको जो डेट यहां पे पसंद है वो डेट आप यहां पे सिलेक्ट कर लीजिए और इसको ओके कर दीजिए। सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद आपको कंफर्म एसडब्ल्यूपी करना है। जैसे ही आप कंफर्म एसडब्ल्यूपी करेंगे, ये एसडब्ल्यूपी विद इन 2 वर्किंग डेज चालू हो जाएगी और नेक्स्ट साइकिल, मतलब नेक्स्ट एसडब्ल्यूपी की जो डेट आएगी उस डेट को आपके 2000 रुपए के यूनिट पर्टिकुलर ये म्यूचुअल फंड के अंदर से सेल आउट हो जाएंगे, जो आपको अपने बैंक में वो अमाउंट मिल जाएगा। क्योंकि ज्यादातर मेरे जो व्यूअर हैं वो ग्रो ऐप यूज करते हैं और ग्रो ऐप में मैंने थोड़ा सा ढूंढा, मुझे मिला नहीं, इसके लिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया और बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है जो आपको मैंने को दिखाना था। इसके साथ में जितनी भी म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर कंपनीज है उसकी ऐप को भी आप यूज करके एसडब्ल्यूपी चालू करा सकते हैं। अब मेरे वो दोस्त, ये तो प्लान है जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, जो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे भी मेरे बहुत दोस्त होंगे जो रेगुलर प्लान में अभी भी इन्वेस्ट किए हुए हैं। सबसे पहले रेगुलर प्लान से निकल जाइए, डायरेक्ट फंड में सबसे पहले इन्वेस्ट कर दीजिए जल्दी से। कितना लॉस होता है उसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, बहुत लाखों में लॉस होता है यार। तो फिर भी अगर आपको नहीं निकलना है, आप फिर भी उसमें पड़े रहेंगे और आपको एसडब्ल्यूपी चालू करानी है, तो उसके लिए आपको भाई आपका जो भी मीडिएटर है या जो भी दलाल है उसको आपको बात करनी पड़ेगी, जिसने आपको आपका म्यूचुअल फंड खरीदा है, आपके थ्रू आपसे पैसे लेके म्यूचुअल फंड खरीद के आपको दिया है। ऐसे ब्रोकर को आपको पकड़ना है, वो ब्रोकर को बोलना है भाई मेरे को ये फंड के अंदर में एसडब्ल्यूपी चालू करानी है, मेरे को चालू करा के दे। उसके पास ही ऑप्शन रहता है, आप शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है, रेगुलर प्लान मैंने कभी यूज नहीं किया है। उसमें भी एक एप्लीकेशन के थ्रू आपको दिखाया जाता है कि आपका कितना पैसा बढ़ रहा है, लेकिन आपके पास कोई कंट्रोल रहता नहीं है। तो आप अपने ब्रोकर को यहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप एसडब्ल्यूपी चालू करा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत लोग और भी जानेंगे। अगर जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतने लोग को भी पता चलेगा, मेरा वीडियो रैंक होगा और दूसरे लोग भी इसके बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो में बस इतना ही। नए हैं वीडियो के ऊपर तो ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस में ये चैनल पे लाता रहता हूं, सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।